नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख चित्रकला शैली के चित्रकार, यानी कि जो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैली है उनके चित्रकार को हम ठीक से याद करेंगे। कौन कौन से व्यक्ति थे जो राजस्थान में चित्रकला शैली को इतनी प्रसिद्धि दिलाई, उन सभी के बारे में हम ठीक से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बूंदी चित्रकला शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं वो ट्रिक से देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रिक है राम किशन साधु को बूंदी दो। अब देखिए यहाँ पर राम और किशन दो नाम के लड़के थे, वो साधु को बूंदी दे रहे हैं। इस प्रकार से आप याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए, राम से करेंगे हम रामलाल, किशन से करेंगे हम श्री किशन, और साधु से करेंगे साधु राम। यह तीनों बूंदी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। जो मेन मेन है, मोस्ट मोस्ट है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है उनियारा चित्रकला शैली के चित्रकार। अब यहाँ पर उनियारा जो चित्रकला है उनके जो चित्रकार है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यह ट्रिक है कि यार मीरा, यहाँ पर है मीरा का धर्म बता, मेरे की जगह है मीरा, कि यार मीरा का धर्म बता। यह ट्रिक है उनियारा चित्रकला शैली के चित्रकारों की। यहाँ पर देखिए, यार से हम करेंगे उनियारा, उनियारा में देखिए लास्ट में यार आ रहा है, यानी कि हम उनियारा चित्रकला शैली के चित्रकार याद कर रहे हैं। का से करेंगे काशी, बता से करेंगे हम बक्ता, और मीरा से करेंगे मीर बख्श, और धर्म से करेंगे धीमा। यह सभी उनियारा चित्रकला शैली के चित्रकार है। कौन कौन से है? काशी, बक्ता, मीर बख्श और दीमा। दोस्तों इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इन्हें। दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप इन्हें 2-3 बार लिखकर याद करिए, आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है कोटा शैली के चित्रकार। अब देखिए, कोटा शैली के जो चित्रकार है उन्हें हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। ट्रिक देखिए हमारी, नया कोट रघु और लुगड़ा लक्ष्मी पहनेगी। जो नया कोट है ना वो तो रघु पहनेगा, और जो लुगड़ा होता है यानी कि ओढ़ने की लुगड़ी होती है वो कौन पहनेगी? लक्ष्मी। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, नया कोट रघु और लुगड़ा लक्ष्मी पहनेगी। अब देखिए इन्हें ट्रिक से जोड़ लेते हैं। नया से हम कर रहे हैं नूर मोहम्मद, नया से हम जोड़ रहे हैं नूर मोहम्मद को, और आगे देखिए कोट से करेंगे हम कोटा, क्योंकि हम कोटा चित्रकला शैली के चित्रकार याद कर रहे हैं। रघु से करेंगे हम रघुनाथ, लो से करेंगे हम लच्छी राम, ग से करेंगे गोविंद राम, डा से करेंगे डालू राम, और लक्ष्मी से करेंगे लक्ष्मी नारायण। यह सभी है ना कोटा चित्रकला शैली के चित्रकार है। सभी के सभी कोटा चित्रकला शैली के चित्रकार है। कौन कौन से हैं? नूर मोहम्मद, रघुनाथ, लच्छी राम, गोविंद राम, डालू राम और लक्ष्मी नारायण। और यह ट्रिक है हमारी, नया कोट रघु और लुगड़ा लक्ष्मी पहनेगी। तो दोस्तों आप 1-2 बार लिखकर इन्हें आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार। अब देख रहे हैं हम बीकानेर की जो चित्रकला है उनके चित्रकार कौन कौन है। देखिए दोस्तों, यह हमारी ट्रिक है, रुको चंदू आज क्या क्या बिका, साहब लहसुन मूली कांदा। देखिए दोस्तों, यह एक स्टोरी की तरह याद रखो। चंदू नाम का लड़का है, वो सब्जी बेचता है, और उसके साहब है वो पूछ रहे हैं कि रुको चंदू आज क्या क्या बिका। तो ये बोल रहा है कि साहब लहसुन मूली और कांदा बिके हैं। अब देखिए इन्हें ट्रिक से जोड़ते हैं। रुको से करेंगे हम रुकनुद्दीन, और आगे देखिए चंदू से करेंगे हम चंदूलाल, आज से करेंगे अली राजा, क्या से करेंगे हम कायम, बिका से करेंगे बीकानेर, यानी कि हम बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार याद कर रहे हैं। साहब से याद करेंगे साहिब दीन, और लसन से याद करेंगे हसन, और मूली से करेंगे मुन्ना लाल, और कांदा से करेंगे हम मुकुंद। किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार। अब पढ़ रहे हैं हम किशनगढ़ की जो चित्रकला है उनके चित्रकार कौन कौन है। देखिए यह ट्रिक है, नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना, नानी तू किशनगढ़ जाए तब मेरे लिए मोर लाना। अब देखिए ट्रिक से जोड़ते हैं, ना से करते हैं नानक राम, ना से कर रहे हैं हम नानक राम, नी से कर रहे हैं निहाल चंद। यह नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है निहाल चंद का, यह कहाँ से प्रसिद्ध है? किशनगढ़ चित्रकला शैली से यह चित्रकार है और किशनगढ़ से यह प्रसिद्ध है। तू से करेंगे हम तुलसीदास, स से करेंगे
सीताराम, मोर से करेंगे मोर ध्वज, ला से करेंगे लाडीदास और ना से करेंगे नागरीदास। यह सभी चित्रकार किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार है। नानी तू किशनगढ़ से मोर लाना। नेक्स्ट है मेवाड़ के चित्रकला शैली के चित्रकार। मेवाड़ के चित्रकला शैली के चित्रकार, यह हमारी ट्रिक है। साहब मेवाड़ में हीरे का बक्सा मिला, तो साहब बोल रहे हैं फिर बेरू जी की कृपा है। एक बंदा था वो अपने साहब को बोल रहा है कि मेवाड़ में है ना हीरे का बक्सा मिला है, तो फिर साहब बोल रहे हैं कि बेरू जी की कृपा है। अब देखिए ट्रिक से जोड़ते हैं, साहब से कर रहे हैं साहेब दीन, मेवाड़ से करेंगे मेवाड़, यानी कि हम मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार याद कर रहे हैं। मैं से करेंगे मनोहर, हीरा से करेंगे हीरानंद, बक्सा से करेंगे चौबक्स, बेरू से करेंगे बेरू राम, जी से करेंगे जीवाराम, कृपा से करेंगे कृपाराम। यह सभी चित्रकार मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार है। यह ट्रिक है, साहब मेवाड़ में हीरे का बक्सा मिला, तो साहब फिर बोल रहे हैं कि बेरू जी की कृपा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है मारवाड़ के चित्रकला शैली के चित्रकार। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो मारवाड़ में चित्रकला शैली है उनके चित्रकार कौन कौन है। देखिए दोस्तों ये ट्रिक है, जो भी मारवाड़ में चित्रकार है उनके नाम के अंत में दास या फिर भाटी जरूर मिलेगा। देखिए किशन दास, नारायण दास, गोपाल दास, शंकर दास, देवदास, शिवदास, अमरदास और देखिए यहाँ पर वीर सिंह भाटी, रत्ना भाटी, तो इनके नाम के अंत में भाटी है और दास है, आप इस प्रकार से याद रखिए। और देखिए कुछ नाम ऐसे ही याद रखिए जैसे नाथ, फेजली और सेपू, ये सभी भी मारवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार है। नेक्स्ट है अब है यहाँ पर देखिए जयपुर आएगा, जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार, यहाँ पर जयपुर आएगा। अब देखिए इनकी ट्रिक देखते हैं, जो जयपुर में चित्रकार है उनकी ट्रिक है, जय तेरी साली साहिबा गोरी है, हुकुम रोज लाली लगाती है। एक बंदा है वो बोल रहा है कि तेरी साली साहिबा बहुत गोरी है, तो वो बंदा वापस बोल रहा है कि हुकुम रोज लाली लगाती है। अब देखिए ट्रिक से जोड़ते हैं, जय से करेंगे हम जयपुर, क्योंकि हम जयपुर की जो चित्रकला है उसके चित्रकार पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए तेरी से करेंगे त्रिलोक, तेरी से करेंगे त्रिलोक, साली से कर रहे हैं हम शालिग्राम, साली से कर रहे हैं शालिग्राम, और साहिबा से करेंगे साहिब राम, साहिबा से करेंगे साहिब राम, गोरी से करेंगे गोविंद राम, हुकुम से कर रहे हैं हुकमा, हुकुम से कर रहे हैं हुकमा, रोज से करेंगे राम जी दास, लाली से करेंगे लालचंद। अब देखिए दोस्तों ये सभी चित्रकार जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार है और ये हमारी ट्रिक है, जय तेरी साली साहिबा गोरी है, हुकुम रोज लाली लगाती है। अब दोस्तों आप कितना ही इन्हें रट लो और कितना ही आप पढ़ लो लेकिन एक दिन वापस भूल जाएंगे, तो आप इस प्रकार से ट्रिक बनाओ और आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो और ट्रिक से ही ये याद होने वाले हैं। नेक्स्ट है नाथद्वार चित्रकला शैली के चित्रकार। अब हम पढ़ रहे हैं नाथद्वार की जो चित्रकला है उसके चित्रकार कौन कौन है। देखिए चंपालाल, नारायण, उदयराज, कमला, घासीराम और चतुर्भुज, यह सभी नाथद्वार की जो चित्रकला है उनके चित्रकार है। नेक्स्ट है देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार। अब हम पढ़ रहे हैं देवगढ़ की जो चित्रकला है उनके चित्रकार कौन कौन है। यह हमारी ट्रिक है, बच्चों कल बैग लाना, बच्चों कल बैग लाना। अब देखिए ट्रिक से देख लेते हैं, बह से करेंगे हम बैजनाथ, बह से कर रहे हैं बैजनाथ, और चो से करेंगे चोखा, चो से करेंगे चोखा, कल से करेंगे कौला, और बैग से करेंगे बगला। और देखिए दोस्तों ये सभी देवगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार है, ये सभी नाम व्यक्तियों के नाम है, बैग से करेंगे हम बगला, बगला भी व्यक्ति का ही नाम है और ये चित्रकार है देवगढ़ चित्रकला शैली के। नेक्स्ट है अलवरी चित्रकला शैली के चित्रकार। देखिए दोस्तों ये हमारी ट्रिक है, छोटू गुलाब जामुन बना। अब देखिए हम ट्रिक से जोड़ते हैं, छोटू से करेंगे हम छोटेलाल, गुला से करेंगे गुलाम अली, गुला से कर रहे हैं गुलाम अली, और बस से करेंगे बलदेव, ये बह है ये बलदेव, बस से बलदेव, जामुन से करेंगे हम जमुना दास, और बह से करेंगे बक्सा राम,
ना से करेंगे नंदलाल। तो देखिए दोस्तों, ये सभी अलवरी चित्रकला शैली के चित्रकार है, जो कि चित्रकार किन्हें कहते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं ना उन्हें चित्रकार कहते हैं, और ये पेंटिंग बनाने वाले व्यक्ति है, अलवरी चित्रकला के चित्रकार है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें किसी चित्रकार का नाम दे दिया जाता है और हमसे फिर पूछा जाता है कि ये चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है। जैसे कि रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला शैली के किस शैली से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या थी, रुको चंदू आज क्या क्या बिका, तो आप देखिए बिका बिका आ गया, तो बिका से हम करें बीकानेर, तो ये रुकनुद्दीन चित्रकार है वो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह तीनों चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है। तो दोस्तों, हमने ट्रिक याद करी थी, नानी किशनगढ़ जाए मोर लाना, यानी कि इसी प्रकार से थी कि नानी तू किशनगढ़ जाए मोर लाना, तो किशनगढ़ आ गया यहाँ पर। तो यह चित्रकार तीनों किससे संबंधित है, किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है, यानी कि आपको एक नाम मिल जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से और ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वहाँ पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद।